नमस्कार, आज हूँ विश्व ऋतुस्राव दिवस। आई विषय आज आम आलोचना करवा पीरियड्स, इंग्लीश पीरियड्स कहते ऋतुचक्र हूँ नारी मान शरीर में प्रतिमास घटुवा एक प्राकृतिक घटना। यह नारी मान प्रजननक्षम होगा दर्शाई थाए। भारतीय नारी जीवन में प्राय 38 वर्ष प्रजननक्षम होता बेले यह समय हाराहारी 456 थर ऋतुचक्रर सामना करने को पड़ता है। निज जीवन काल में प्रायत 2280 दिन किंवा वर्षर हिसाब कले प्रायत 6.25 वर्ष ऋतुचक्र पाई समर्पित। स्थल विशेष संख्या गुड़िक कम बा बेसी हिपे केवल प्रजनन क्षमता नुहे, नारी मान स्वास्थ्य अवस्था मध्य निर्भर करे। तेरे मनरे प्रश्न उठे ऋतुचक्र कौन? संक्षेपरे कहिले ऋतुस्राव होउची शरीर पाई अनावश्यक तंतु गुड़िक शरीर रु बाहर करिवा प्रक्रिया। यह हार्मोन रे परिवर्तन जोगु घटिथाय। हार्मोन गुड़िक होउची शरीर रे रासायनिक दूत। हार्मोन प्रभाव रे गर्भाशय रे झिल्ली रे केतक परिवर्तन घटिथाय। झिल्ली फुली मोटा हो जाए और सेथिरे रक्त सरबराह बढ़िथाय। डिम्बाणु सहित शुक्राणुर गर्भधान संभव हो पारिले ताहा मोटा झिल्लीयुक्त गर्भाशय स्थापित हो विकास लाभ करे। किंतु जदि गर्भाधान क्रिया संपादित हो पारे ना तेरे गर्भाशय झिल्ली तंतु और डिम्बाणु जोनिपथर शरीर बाहर आसती जहाँ ऋतुस्राव कहुए। गर्भाशय चारिपाखे झिल्लीर एक मोटा आस्तरण सृष्टि होगापी और गर्भधान न हो पारे ता नष्ट और से ही अदरकारी तंतु सबू शरीर बाहरी आसवापी प्राय एक मास समय लगी था। प्रजनन क्षम अवस्था रे यही प्रक्रिया प्रतिमास संगठित होता है। महिला मान क्षेत्र में ऋतुस्राव आरंभ होगा दिन ठार परवर्त ऋतुस्राव आरंभ होवार पूर्व दिन पर्यंत समय को ऋतुचक्र कहुए। साधारणतः 9-15 वर्ष बयस मध्य जेकोसी समय झील मान ऋतुस्राव आरंभ होता है। ऋतुस्राव को इंग्राजी में मेन्सुरेसन बा संक्षेपर मेन्स बोली कहती। यह लाटिन शब्द मेन्सीरीस मेन्सीस रु आसी। मेन्सीस अर्थ होस। ऋतुस्राव प्रायत एक मास व्यवधान में संगठित होसिकिया कहती। यह थे आरंभ हेल्ले 2-7 दिन पर्यंत अनुभूत होता है। यह समय जड़े महिला शरीर रु प्रायत 35 ml रु 50 ml पर्यंत रक्त शरीर बाहर को चली आसे। एक साधारण चक्र प्रति 28 दिन विशिष्ट होता बेले यह 21-42 दिन मध्य हो पार। 40-50 वर्ष बयस मध्य ऋतुचक्र बंद हो जाए। यह ऋतु अस्त बोली कहती। इंग्राजी यह मोनोपॉज कहुए। ऋतुस्राव आरंभ होगा सहित नारी मैंने गर्भधारण करवा योग्य हो पार्थिवा बेले ऋतु अस्त अवस्था पहुँचले गर्भधारण संभव हुए ना। ऋतुचक्र कौन हुए? ऋतुचक्र प्रक्रिया बुझाप आमको प्रथम स्त्री मान जननांग विषय जानवाक हो। सेगुड़िक हूँ दुईट डिंबाशय ओभारी जोटी असंख्य डिंबाणु था गर्भाशय यूट्रेस जो थे भ्रूण गर्भ स्थापित होता है और विकसित होता है। डिंबवाही नली फलोपियन ट्यूब डिंबाशय को गर्भाशय सहित जोड़ा दुईट संकीर्ण नली। सर्विक्स जोनी और गर्भाशय मध्य प्रवेश द्वार जोनी बा भाजाइना। ऋतुचक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रभाव में डिंबाशय डिंबाणुगुड़िक परिपक्व हमती। परिपक्व डिंबाणुगुड़िक शुक्राणु सहित मिलित होगा जो भ्रूण विकसित होता है जहाँ को गर्भधान कहती। भ्रूण तापर गर्भाशय स्थापित होता है और विकसित होता है। भ्रूण टी गर्भाशय थली एक निरापद स्थान जगैवापी गर्भाशय केतक परिवर्तन होता है। यार झिल्ली फुली मोटा हो जाए और रक्त सरबराह मात्रा बढ़ी जाए। यही झिल्ली साधारणतः तंतु और रक्त बाहरी था। ऋतुचक्र अधा होता बेले अर्थात 14-16 दिवस मध्य अन्य एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रभाव में डिंबाशय परिपक्व डिंब निर्गत होता है। यही डिंब तापर डिंबवाही नली गर्भाशय आड़ को गति करें। डिंबाणुवाही नली डिंबाणु प्राय 24 घंटा पर्यंत सक्रिय थाए। यही नली मध्य बेले यदि डिंबाणु और शुक्राणुर मिलन संभव हुए तेरे से मिलन
भ्रूण जहाँ निषिक्त भ्रूण कहती सृष्टि होता है। प्रक्रिया को गर्भधारण कहुए यह भ्रूण डिम्बवाय नली रे धीरे धीरे गति करी गर्भाशय पहुँचे और सेठारे निजकु स्थापित करी विकसित हुए। यदि गर्भधारण संभव हो पारे ना तेज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्तर कमी जाए तो डिम्बाणु और गर्भाशय झिल्ली तंतु रक्त ऋतुस्राव बेले गर्भाशय जनि बाहरी आसे। तेरे ये आलोचना आज विश्व ऋतुस्राव दिवस कौन ये प्रक्रिया आपको नहीं विभिन्न सामाजिक कुसंस्कार मध्य रही महिला स्वास्थ्य अवस्था को आख्यागत रखी सरकार खुशी नाम गोटे योजना करो थे कि फ्री सानिटरी नैपकिन एम को दि जाऊँगी। तेज आलोचना कि लगे आपण मैंने मतामत जनइबे भिडटे भल लगी लाइक करने निजर परिजन सेयर करने को अनुरोध। वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।